नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपलएससी पैट परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाले यूपी ट्रिपलएससी पैट की परीक्षा 28 और 29 अक्टूबर को आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो सभी साथियों प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। मैं बता दूं, आप जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप यूपी ट्रिपलएससी पैट परीक्षा 2023 में अच्छा स्कोर करके नहीं आ पाओगे। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी ट्रिपलएससी पैट परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना यूपी ट्रिपलएससी पैट परीक्षा 2023 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 22। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि लूनर कास्टिक किसका अयस्क है। तो किसका अयस्क है लूनर कास्टिक, ये आपको बताना। आपका जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो साथ के साथ में उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है, जिससे आपका एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो ये है सिल्वर का, इसका सिल्वर का अयस्क है लूनर कास्टिक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी मद्रास स्नेक पार्क की स्थापना, ये आपको बताना। तो ये स्थापना की थी रोमुलस वाइट टेकर ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यहूदी और ईसाई धर्म का उदय किस देश में हुआ। तो कौन से देश में हुआ था यहूदी और ईसाई धर्म का उदय, ये आपको बताना है। तो ये उदय हुआ था फिलिस्तीन में, कहाँ पर फिलिस्तीन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। तो कौन से देश के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची को, ये आपको बताना है। तो समवर्ती सूची ली गई है कनाडा से, किससे, कनाडा के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि टाइगर परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो कब प्रारंभ की गई थी टाइगर परियोजना, ये आपको बताना है। तो ये परियोजना प्रारंभ की गई थी 1973 में, कब 1973 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था। तो कितनी बार लूटा था शिवाजी ने सूरत को, ये आपको बताना है। तो दो बार लूटा था शिवाजी ने सूरत को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। तो कब मनाया गया था पहला विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये मनाया गया था 1974 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो किसी देश द्वारा आयातों पर लगाया गया कर क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है आयातों पर लगा हुआ कर, तो ये कहलाता है टैरिफ, क्या टैरिफ कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जूडो में सर्वोच्च उपाधित होता है, तो कौन होता है जूडो में सर्वोच्च उपाधित, तो ये होता है दसवां डैन का, दसवां डैन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था गैस इंजन का आविष्कार, तो ये आविष्कार किया था डैमलर ने, किसने, डैमलर ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पुराना किला को किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था पुराना किला को, ये आपको बताना है। तो शेर शाह ने पुराना किला को बनवाया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रवांडा की राजधानी कहाँ है, तो कहाँ पर है रवांडा की राजधानी, तो ये किगाली, क्या किगाली है रवांडा की राजधानी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो कौन है वो महिला जिसने सबसे पहले विंबलडन खेला है, तो ये सानिया मिर्जा,
विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था, तो कब हुआ था वियतनाम का एकीकरण, तो वियतनाम का एकीकरण हुआ था 1976 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो किसने किया था महाभारत का फारसी अनुवाद, तो ये किया था बदायूनी ने, किसने बदायूनी ने किया था महाभारत का फारसी अनुवाद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पोलोनियम तत्व की खोज किसने की, तो किसने की थी पोलोनियम तत्व की खोज, तो ये खोज की थी मैडम क्यूरी ने, किसने मैडम क्यूरी ने पोलोनियम तत्व की खोज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किया गया, तो कौन से अनुच्छेद में एससी एसटी के लिए आरक्षित किया गया, तो ये किया गया अनुच्छेद 330 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदू विकास दर की अवधारणा किसने दी थी, तो किसने दी थी हिंदू विकास दर की अवधारणा, तो ये दी थी प्रोफेसर राजकृष्णा ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था बैटरी का आविष्कार, तो ये आविष्कार किया था बोल्टा ने, किसने बोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोमासेंस विद लाइफ के लेखक कौन है, तो कौन इस पुस्तक के लेखक ये आपको बताना है, तो रोमासेंस विद लाइफ पुस्तक के लेखक हैं देव आनंद, कौन देव आनंद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जगन्नाथ मंदिर के पूरब की ओर का द्वार क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है जगन्नाथ मंदिर का पूरब का द्वार, तो ये कहलाता है सिंह द्वार, कौन सा सिंह द्वार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की है, तो कौन से देश ने की है समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त, तो ये प्राप्त की है फ्रांस देश ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था, तो कौन से विषय के लिए मिला था भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार, तो ये मिला था साहित्य के क्षेत्र में भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार, और नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि के लिए मिला था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संसद के अपर हाउस को अपर हाउस के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है अपर हाउस के नाम से, तो ये जाना जाता है राज्यसभा को, किसे राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो कौन सा है नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु, ये आपको बताना है, तो पवित्र गाय, कौन पवित्र गाय, ये नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था मोबाइल का आविष्कार, कि आपको बताना है, तो मोबाइल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने, किसने मार्टिन कूपर ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लाल रुधिर कणिकाएं की आकृति कैसी होती है, तो कैसी होती है लाल रुधिर कणिकाओं की आकृति, तो इनकी आकृति होती है वृत्ताकार, कैसी वृत्ताकार होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेपाल चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है, तो कौन सा है नेपाल चीन तथा भूटान से घिरा वो भारतीय राज्य, तो वो भारतीय राज्य सिक्किम, कौन सिक्किम है नेपाल भूटान चीन से घिरा हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस देश को 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है 10 लाख हाथियों की भूमि, तो ये कहा जाता है लाओस को, किसे लाओस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं की ढांचा कैसी है, तो कैसी है पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा, तो ये है त्रिस्तरीय। कैसा है? त्रिस्तरीय है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था, तो कौन था प्राचीन वंश का सबसे महत्तम राजा यानी महान राजा, तो ये था मिहिर भोज। कौन सा? मिहिर भोज था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में हुमायूं के मकबरा को किसने बनवाया, तो किसने बनवाया था दिल्ली में हुमायूं के मकबरा को, ये आपको बताना है, तो ये बनवाया था हमीदा बानो बेगम ने। किसने? हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था हुमायूं के मकबरा को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है मनियारों का राजकुमार, तो ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेम सेक पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है इस पुस्तक के लेखक, तो ये हैं झुंपा लाहिड़ी। कौन? झुंपा लाहिड़ी है नेम सेक पुस्तक के लेखक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर कहाँ का शासक था, तो कहाँ का शासक था सिकंदर, ये आपको बताना है, तो ये था मैसेडोनिया का शासक। कहाँ का? मैसेडोनिया का शासक था सिकंदर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, तो किसने लगाया था संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध, तो ये लगाया था औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, तो कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला है, तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था सोलंकी वंश का संस्थापक, तो ये था मूलराज प्रथम, ये सोलंकी वंश का संस्थापक था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था, तो किसने किया था तंबाकू के प्रयोग का निषेध यानी प्रतिबंध लगाया था, तो ये किया था जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने संत कबीर का महाप्रायण स्थल है, तो कौन सा है संत कबीर का महाप्रायण स्थल, तो ये है मगर। कहाँ? और मगर ये पड़ता है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार पहाड़ कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है बिहार पहाड़, ये आपको बताना है, तो ये है रोमानिया में। कहाँ? रोमानिया में है बिहार पहाड़, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।